श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अध्याय 9 सीता का श्रीराम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्रीराम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब कामजनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्याभाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और हैं, परस्त्रीगमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदना, इनमें से मिथ्याभाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा ही। परस्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है? नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, ये दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है? आप सदा ही अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। 5-7 महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं, वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो ये तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है, इसका क्या कारण है ये बता रही हूँ, आप मेरे मुँह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहां क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। महाबाहो, पूर्वकाल की बात है, किसी पवित्र वन में जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते, उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र धोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलारे का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है।
मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा ये शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहां शास्त्र धारण और कहां वनवास, कहां क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहां सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसा में धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है, अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वशुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य, प्रतिदिन शुद्ध चित होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है, आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रता पूर्वक करें।